आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी करी, पालक सोया चंक्स करी। और इसके लिए हमने 250 ग्राम पालक के पत्ते अच्छी तरीके से वॉश करके ले लिए हैं। और लेंगे 1 कप सोया चंक्स, जिनको सादे पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक और गर्म पानी में इसको भिगो कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। और जब तक हमारी सोया बड़ी सोख हो रही हैं, तब तक हम एक पैन चढ़ाकर ग्रेवी की तैयारी करेंगे। पैन गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 2 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 बहुत छोटा टुकड़ा दालचीनी का। दो चुटकी हींग। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटा प्याज, 1 टमाटर, थोड़ी अदरक, कुछ लहसुन और 1 हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर। बहुत झटपट बनने वाली सब्जी है, बहुत ज़्यादा कोई आडंबर नहीं है, झटपट मसाले बनाइए और साथ में फटाफट पालक भी इसी में डाल देंगे और जल्दी से बढ़िया सा भुनी हुई सब्जी तैयार होगी, बिल्कुल भी इसमें आपको कच्चे पालक की स्मेल नहीं आएगी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ये पालक के पत्ते। इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। मसाला यहाँ पे थोड़ा सूख रहा था तो मैंने यहाँ पर 2-3 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है, जिससे ये अच्छी तरह से गल जाए टमाटर। देखिए बढ़िया से ये गल गए हैं टमाटर। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे, तब इसकी प्योरी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से हमने पीस लिया है और यहाँ पर ये बढ़िया जो मेरी 15-20 मिनट हो गए इसको अच्छे से भीगते हुए। अब इसका पानी भी हल्का गुनगुना रह गया है, ऐसे हाथ से इसको अच्छे तरीके से निचोड़ देंगे। अब इस पानी को फेंक देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। पैन गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटा हुआ प्याज और भून लेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे सोया चंक्स और उनको भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए सोया चंक्स पर हल्का कलर आ गया है, इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब यहीं पर ऐड कर देंगे 2 छोटे कटे हुए आलू और उनको भी भून लेंगे। और अब ऐड कर देंगे पालक और मसालों की प्यूरी। अब चूंकि यहाँ पर पालक मसाले और बढ़िया पहले से ही अच्छी तरह भुनी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, केवल 2-3 मिनट के लिए ढककर भून लेंगे। सब्जी 5 मिनट से भुन रही है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें हम 2-3 चीज़ें और ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला।
और अब डालेंगे एक गिलास पानी और ढककर कुक कर लेंगे, जिससे अच्छी तरह से आलू भी पक जाए। देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से कुक हो गई है। अब हम इसमें मिक्स कर देंगे एक टीस्पून फ्रेश मलाई। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश कर्ड या फिर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी पालक की कोई भी करी बनाएं तो आप इसको दही या इस तरीके से क्रीम वगैरह डालने से इसका जो कसैलापन होता है वो बिल्कुल चला जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको डालना। डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी झटपट बनने वाली पालक सोया बड़ी करी तैयार हो गई है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लेकर आऊँगी एक नई डिश, तब तक के लिए बाय बाय।